अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम परफेक्टली फाइन। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। यस, वी हैव डन शॉपिंग एंड टुडे आई एम गोना शो यू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव शॉप्ड। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अभी मैं आई हूँ और इस वक्त 4 बज रहे हैं और मैं मार्केट से आई हूँ। मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल मैं सांस हुई हुई है, लेकिन मैंने कहा मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है बिकॉज ये अभी ना की और चीज़ें देख ली तो बस फिर जो है ना वीडियो होनी ही नहीं है रिकॉर्ड। सो एनी वेज वी गन स्टार्ट दी वीडियो हेयर, बट बिफोर दैट इफ यू गाइज डोंट नो मी, दिस इज नादिया एंड आई एम डेली वर्क्स फॉर यू गाइज। आप लोग यहाँ एक सब्सक्राइब को बटन होगा, उसको फॉरन सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन भी बनी होगी उसको भी दबाना है ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिले। मेरे पास मेरी शॉपिंग है जो मैंने की है इस वक्त ज्वेलरी से, और ज्वेलरी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड्स है। सबसे पहली चीज़ ये कि क्वालिटी अच्छी होती है, टेस्टेड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है। दूसरी चीज़ ये कि प्राइजेस बहुत इकोनॉमिकल होती हैं, यानी आपको 3000 से स्टार्टिंग प्राइस है स्टिच्ड कपड़ों, यानी 3000 से आपके 3100 से आपको स्टिच्ड कपड़े मिलना शुरू हो जाते हैं, 2 पीस, विच इज़ डेफिनेटली अमेजिंग। सो प्रमोट गुड ब्रांड्स एंड द वंस विच आर इकोनॉमिकल। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये वाला बैग। इसके अंदर मेरे पास सबसे पहली चीज़ है ट्राउज़र। मुझे बहुत ज़रूरत थी वाइट और ब्लैक ट्राउज़र्स की, लेकिन वाइट वहाँ पे जो कपड़ा था, मटेरियल था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने वो नहीं लिया। लार्ज में मैंने लिया है क्योंकि समर्स में ना बहुत फिटेड कपड़े अच्छे नहीं लगते, तो वैसे मेरा मीडियम साइज़ है, बट स्टिल आई हैव गॉटन लाइक लार्ज साइज़ सो दैट यू नो लेंथ भी ठीक रहे और वेस्ट वगैरह से भी कोई इशू ना हो। बहुत अच्छा है ये, क्वालिटी वाइज कपड़ा ठीक है, बहुत ज़्यादा सी थ्रू वगैरह नहीं है, शुक्र है। ये मैंने चेक कर ली थी चीज़ पहले। फिर यहाँ अगर इसका आप बॉटम देखें तो यहाँ पे प्लेट, अभी तो इस्त्री ऑब्वियसली नहीं हुआ, प्रेस ऐसा सच नहीं हुआ तो इसलिए इस तरह से इसकी है, वरना ये इसकी प्रॉपर प्लेट्स डली हुई हैं। फिर ये एक पैटर्न आ रहा है, ठीक है, फिर प्लेट्स हैं और फिर ये लेस आ रही है। तो मुझे इस तरह के ट्राउजर्स अच्छे लगते हैं जिसपे थोड़ा बहुत लाइट सा जो है ना वो काम हुआ हो, काम इन अ सेंस के इस तरह से पैटर्न हो ताकि कुछ पता तो चले, पहने हुए अच्छा लगे। सो दिस इज़ द ट्राउज़र एंड इंशाल्लाह आई विल बी वेयरिंग इट विद डिफरेंट कपड़े। मेरे पास ब्लैक ट्राउज़र नहीं था, ना ही ब्लैक शलवार थी। द प्राइस इज 14.90, ठीक है। अच्छा, अब ब्लैक ट्राउज़र लेने का मकसद ये है कि आपके पास कुछ भी ना हो, आपके पास एक ब्लैक और एक वाइट ट्राउज़र लाजमी होना चाहिए, और अबाउट वाइट में बिल्कुल वाइट नहीं, वाइट में आपके पास थोड़ा सा ना बेज क्रीम सा कलर का, ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र होना चाहिए, सो दैट आपके पास अगर किसी सूट का ट्राउज़र नहीं है, आप 2 पीस ले रहे हो या फट गया है या फॉर एग्जाम्पल गुम गया है, या किसी भी कपड़ों के साथ आपका ब्लैक वाइट चल सकता है। ट्रस्ट में बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें आपके पास ट्राउजर्स नहीं आ रहे होते, शलवारें नहीं आ रही होती, 2 पीस आप ले लेते हो। जैसे मैंने अभी एक 2 पीस लिया, दुपट्टा नहीं है उसमें, लेकिन स्टिल ब्लैक चलता है। तो मेरे पास वाइट था लेकिन आई डिडंट हैव द ब्लैक वन, सो आई हैव गॉटन इट। हमारे पास एक बहुत प्यारा सूट है, लेकिन द थिंग इज मैंने जो पसंद किया था ना वो इससे भी बहुत खूबसूरत था। ये वाला ड्रेस है, ठीक है जी, ये आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, हसीन। आई लाइक सच कलर्स। आई एंड बासित वी बोथ लाइक लाइट कलर्स। अम्मा को जो है ना ब्राइट कलर्स पसंद हैं, तो खैर एनी वेज नई नई शादी हो तो आप ब्राइट कलर्स ही पहनते हैं, लेकिन क्योंकि वर्क प्लेस भी आपने कीप इन माइंड रखना। सो ये इसकी शलवार है, ठीक है जी, लार्ज में हमने लिया है, खुला डुल्ला, सी थ्रू नहीं है, और मतलब जितने एक्सट्रीम सी थ्रू कपड़े होते हैं ना वैसे नहीं है, ऑब्वियसली पतली आ रही है लोन या कैमरिक भी, बट इस तरह से इसकी पौचे के ऊपर सिलाई है, लेस है, सीढ़ी लेस लगी हुई है, ठीक है। फिर हमारे पास सिंपल पौचा है इसका। ये आपकी शलवार आ गई और शर्ट भी सेम उसमें है। प्राइस जो इसकी है वो है 3190। मैं आपको बता रही थी 3000 में आपको कपड़ा मिल जाना है, और देख लें आप 3190 में आपको क्या मिलता है। शर्ट मिलती होगी सिर्फ खादी से, ईडन रोप से। जो ब्रांड्स मतलब अच्छी चीज़ दे रहे हैं कम प्राइस में, उनको प्रमोट करना चाहिए। ये शर्ट है, ठीक है, और ये मैंने लिया है कि यार मतलब ऑफिस वेयर के लिए अच्छा ही है, ठीक है। इस तरह से इसके बाजू हैं, बाजू पर भी सीढ़ी लेस लगी हुई है, वही शलवार की तरह लेकिन डिफरेंट है उससे थोड़ी सी, और यहाँ फ्रंट पे इस तरह ये वाली लेस लगी हुई है। स्टिचिंग आप लोग देख लें कैसी है, अच्छी क्वालिटी वाइज अच्छी, ठीक है। दामन भी ठीक है, लेंथ भी ठीक है, अच्छा लगेगा पहन के, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। विल वेयर इट एंड विल शो यू। तब जिस चीज़ के लिए मैं गई थी वो तो मुझे मिली नहीं, लेकिन फिर भी हमने कुछ ना कुछ तो लाना था, तो हम लोगों ने बैग्स लिए हैं। बैग्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये है हमारे पास पहला बैग,
Look at this. Look at this. I don't know if it's like your taste or not, लेकिन मुझे अच्छा लगा. और बाकी जितने भी बैग्स में थे ये फाड़ देंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी प्रॉपर बैग्स रखने का तरीका डस्ट बैग्स के अंदर, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी. वो जब बैग्स वाली वीडियो करेंगे फिर बताऊँगी, अभी इसलिए फाड़ी क्योंकि मुझे चाहिए नहीं. ठीक है, अच्छा ये देखें, ये पहला बैग है, क्लासिक है ना. ठीक है, ये इस तरह का. दो कलर्स आ गए, ब्लैक भी आ गया, ब्राउन भी आ गया. ब्लैक, ब्राउन और वाइट बैग आपके पास लाजमी होना चाहिए. मतलब ब्लैक तो हर चीज़ के साथ चलता है ना, चाहे बैग हो, वॉलेट हो, जूता हो, दुपट्टा हो, ट्राउज़र हो, किसी ना किसी के साथ मैच कर जाता है. तो ब्राउन भी आपका निकल ही आता है कुछ ना कुछ. मेरे पास ब्राउन नहीं था तो मैंने ये वाला परचेज़ किया है. इट इज़ लाइक अ हार्ड बैग, यू कैन ईजिली प्लेस इट ऑन टेबल, टेबल टॉप पर रख सकते हैं. और अगर खोलें आप इस चेन के बाद आपको इस तरह से बैग मिलता है. ये बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है, सॉफ्ट है. जिप आती है, सबसे अच्छी बात यह. स्ट्रैप आ गया अंदर और एक ही पॉकेट है जिसके अंदर इन्होंने सेक्शन तो नहीं है, वैसे पॉकेट पॉकेट नहीं है, इसी तरह का है. एंड डेफिनेटली आई डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट बिकॉज द प्राइस, यू गाइस, प्राइस इज वेरी यू नो यूज़र फ्रेंडली. 2690 रुपये का बैग है ये, क्वाइट रिजनेबल. 2690 में आपको नहीं मिलेगा बैग कहीं से भी, खाड़ी से, एडन रोप से, ब्रेकआउट से, जहाँ जहाँ बैग्स पड़े होते हैं. वैसे मैं तो ये पाकिस्तानी ब्रांड से बैग कभी भी नहीं लेती बिकॉज फजूल के महंगे हैं, लोकल मार्केट से ले लो. ठीक है, और अगर ब्रांडेड का शौक है, अफोर्ड कर सकते हैं तो ब्रांडेड बैग्स लें आप लोग. लेकिन यह है कि ये आपको 2690 रुपये यानी 2700 रुपये का बैग मिले, विच इज़ फाइन. आई हैव शिफ्टेड टू दीज बैग्स, आई डोंट कैरी बिग टॉट बैग्स, आई जस्ट कैरी सच बैग्स, स्मॉल स्मॉल. So which is, this is more than enough to keep my both phones, to keep my wallet, cards, money, perfume, थोड़ी बहुत ब्यूटी की चीज़ें हैं, दैट्स इट. यही होता है सब कुछ रखना, और क्या होता है. फिर मेरी फ्रेंड्स मुझे इतना छेड़ती थी बिकॉज मैं बड़े बड़े टॉट बैग्स लेती थी. और उस टाइम पर यह होता था कि फिर मेरे पास सबसे बड़े बैग्स होते थे और मुझे शौक भी होता था बड़े बड़े यू नो क्लासी आंटीज़ वाले बैग्स लेने का. तो मैंने एक टाइम आया था कि उन बैग्स के ऊपर स्विच कर लिया था और मैं बहुत ऑब्सेस थी टॉट बैग्स और इस तरह से ना. लेकिन खैर अब मेरा वो ऑब्सेशन ख़त्म हो चुका है और मेरे पास हार्डली एक ऐसा बैग है. एक जो था वो मैंने तहरीन को दे दिया था और एक मेरे पास रह गया जो डेली यूज़ में करती हूँ और जिस बेचारे को मैंने रगड़ के रखती है. नेक्स्ट अप वी हैव हियर द अदर बैग. और ये यार लास्ट आर्टिकल था, मतलब ब्लैक के अंदर इतनी ऑप्शन थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. बासित भी नहीं थे मेरे साथ, अतिया भी नहीं थी, मम्मा भी नहीं थी, यहाँ घर में से भी कोई भी नहीं था, तो मुझे ना थोड़ी कन्फ्यूजन थी. तो खैर एनीवेज मैंने फिर फाइनलाइज़ किया ये वाला बैग, विच इज़ अ सिंपल बेसिक ब्लैक बैग. देखो कभी कभी ना आपको सिंपल चीज़ों की तरफ जाना होता है, मतलब एक थोड़ा सा ले लिया ना फैंसी उस पर. देखें जी, ये है बैग, बहुत सिंपल बहुत बेसिक. मेरी वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गई थी. ये बैग है बहुत सिंपल बहुत बेसिक, ठीक है. इस तरह से इसके साथ आती है गोल्ड में. मेरे पास ऐसा कोई बैग नहीं था एक्सेप्ट फॉर वन. तो मैंने कहा यार एक अगर स्ट्रैप वाला लिया है तो दूसरा चेन वाला लें, एक अगर आपने थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट के साथ लिया है कि जिसके ऊपर थोड़े कोई नग शग मोती शोती सितारे सतूरे लगे हुए हैं तो दूसरा आप बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल क्लासी, बिल्कुल सिंपल लें. और ब्लैक बैग्स तो वैसे ही मतलब इटसेल्फ क्लासी होते हैं. तो ये देखिए इस तरह से खुलता है, दोनों हार्ड मटेरियल में है. टेबल टॉप यहाँ पर अच्छे से रख सकते हैं, स्पेशियस है, ठीक है. इस तरह से सेक्शंस बने हैं. कभी भी आप लोगों ने बैग के अंदर से चीज़ें नहीं निकालनी, हमेशा रहने देनी है. मैंने आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखानी है बैग्स रखने की. एंड ट्रस्ट मी यार, आपके बैग चार चार पाँच पाँच साल निकालेंगे अगर आप ऐसे ख्याल रखेंगे उनका. लेकिन खैर फिलहाल तो हम बैग्स की सेफ्टी के ऊपर बात नहीं कर रहे, बैग्स के ऊपर बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ द बैग दैट आई लाइक्ड एंड आई गॉट इट. दिस इज़ फॉर ₹23. शब्द ज़रूरत है अपने फ़ोन की स्पेस क्लियर करने की, बार बार बंद हो रहा है. एनीवेज इस वीडियो को तो हम रिकॉर्ड करते हैं. सो दिस इज़ अ बैग ऑफ ₹23.90 विच इज़ क्वाइट रिजनेबल. अगर ₹23.90 पे आपको अगर ज़ल्बरी से इस तरह ब्रांडेड अच्छा बैग मिल रहा है तो आप ले लें. एंड आई होप यू गाइज लाइक इट टू. This was the shopping that I did. Guys, this was the shopping that I did, and I hope कि आप सबको भी पसंद आई होगी. मुझे तो बहुत पसंद आई है. बहुत जल्दी से मैंने शॉपिंग किया, मतलब ड्राइवर रोका और ड्राइवर से कहा कि आप 10 मिनट रुके, 10 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें लेकर वापस आई हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली मैनेज करना मैरिड लाइफ को, क्योंकि मम्मा के ऊपर मैं इतनी डिपेंडेंट थी. हर चीज़ मम्मा कर रही है, कपड़े भी मम्मा ला रही हैं, कपड़े इस्त्री भी मम्मा करवा रही हैं, कपड़े धुलवा भी मम्मा रही हैं, कपड़े खरीद भी मम्मा रही हैं, कपड़े स्टिच भी मम्मा करवा ली हैं, लेसेस भी मम्मा ले रही हैं, ट्राउज़र नहीं है तो वो भी मम्मा ने लाना है, स्काफ नहीं है तो वो भी मम्मा ने लाना है, बैग नहीं है तो वो भी मम्मा ने लाना है, इवेंट्स के लिए भी मम्मा ने सब कुछ करना है. तो अब सब कुछ मैं खुद करती हूँ, या तो बस के साथ या इंडिपेंडेंटली.
एज टुडे एज आई डिड टुडे। व्लॉग में देखेंगे आप लोग को मैं कैसे गई थी और मैंने क्या क्या किस तरीके से लिया है। बाकी यहाँ पे तो मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं आपको। विद दिस नॉट वेगन एंड द व्लॉग है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ यू डिड देन गिव इट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन बनी होगी उसको लाजमी दबाना है। ये फ्री है ना, मतलब ऐसे कोई फीस नहीं है यूट्यूब चैनल में आने की, आप लोगों के लिए फ्री है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें और ऐड हो जाए मेरी फैमिली में। दैट्स अबाउट इट। इट्स वेरी सिंपल एंड बेसिक।